दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नगांती सुनील चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल से जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते यूट्यूब फैमिली के रूप में प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और बेल घंटी भी दबा दीजिए, कोई भी वीडियो डाले ब्लॉग डाले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हम मानसी जा रहे हैं अपने बड़े वाले छत पे। हाँ। दोनों आदमी खेलेंगे ऊपर। हाँ। क्या खेलेंगे ललन रे मेरे साथ? ऊपर खाना बनाई हूँ। खाना बनाई हो? हाँ। क्या खाना बनाई हो? दाल चावल। चलो दिखा दो किधर बनाई हो। ऊपर तार है देखना। हाँ तार है। अरे ललन सब जानती है किधर तार है, लाइट वाला किधर किराया है, दिखाओ। जाओ खेलो। अभी नहीं मना, अभी नहीं मना। बाबा बड़े पापा से झूठ बोलती है मानसी। अरे इधर दोस्तों देख सकते क्या क्या बनाई है। तो दोस्तों यहाँ से अभी शाम का नजारा देख सकते हैं, सूरज भगवान डूब चुके हैं और धान तो देख के पूरा चेहरा ही उदास हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पूरा सूख चुका है चारों बगल का धान। इसके पहले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कितना हरा भरा दिख रहा था, लेकिन बारिश के वजह से पूरा कैसे देख सकते हैं कैसा हो गया। दोस्तों देख सकते हैं क्या बना रही है मेरी मानसी। दाल चावल। ये कौन सी दाल चावल है? बहुत अच्छा बनता है। अच्छा चलो, तो चलिए दोस्तों इधर का आपको धान दिखाऊं। देख सकते चारों बगल, मुझे लग रहा है वो लोग पानी से पटवे हैं तो थोड़ा बहुत हरा हरा दिख रहा है। बाकी दूर दूर तक दोस्तों देख सकते हैं। वो देखो मौसी। किधर आपका मौसी दिख गई जी? घर पे, घर पे। ये तो आज दिख गई है। कहाँ मौसी आपका दिख गई? घर पे अभी दिखी है, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा तो आपका मौसी क्या नाम है? ओह कैसा कैसा नाम रखती है मानसी। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी बोझा ढो के लिया दिए आ इधर देखिए। अब बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए इसको अभी हम लोग बांधेंगे इस पीठ में, क्योंकि अंधेरा तुरंत हो जाएगा दोस्तों। तो इतना हो गया हमारा दोनों बगल, ये और ये। इतने में हमारा क्या होगा कि सपनों का घर जो बनाने वाले हैं अलग तरीका का, और जो स्वर्ग से भी सुंदर दिखे। तो हम लोग बोल देते हैं ना गांधी जी के स्वर्ग से भी सुंदर देखे। आपने स्वर्ग देखा है कैसा है? सुने हैं सुंदर है, तो सुंदर है तो मतलब स्वर्ग, तो इसी वजह से सुंदर है ना, तो इसी वजह से। हाँ वही मैं जैसे कोई भी शब्द बोलता हूँ तो मेरे को अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगे तो मैं नगांती जी से पूछ लेता हूँ, और नगांती जी भी जवाब नहीं दे पाती है तो हमारे यूट्यूब फैमिली तो जरूर जवाब दे देगी कि सुनील जी आपका सवाल का ये सुंदर सपनों से प्यारा है। तो वो तो सॉन्ग सुने ये वो अलग की बात है। इसी वजह से मैं यानी कोई भी चीज जितना भी सुंदर बनाए उससे भी सुंदर बनाने को जी चाहेगा कि ये बनाया है तो इससे भी कोई सुंदर हो, तो उसी के साथ स्वर्ग से सुंदर कहते हैं। जितना मेहनत करे जितना सुंदर बनाना चाहे अपने जीवन को अपने बच्चों को भविष्य को मन करेगा उससे भी ज़्यादा बनाए उससे भी ज़्यादा, तो यही शायद स्वर्ग से सुंदर है। चलिए इसको बांधते हैं आ उसके बाद चलते हैं कोई टेस्टी टेस्टी खाना बनाने। तो दोस्तों फाइनली आज की जितने दिन से मेहनत करी थी नगांती जी वो सफल हुआ आ बांध दिए अपने जगह पर। अब चल रहे हम लोग नहा धोवा के टेस्टी टेस्टी कोई खाना बनाने। आ अंधेरा हो गया है, कैमरा में भी ऐसी दिख रहा है, तो चलिए अभी चलते हैं अपने सब। तो देख सकते हो अभी हमारे मार्केट का लुक, देख सकते हो मार्केट का लुक कितना सुंदर लग रहा है। चारों बगल झंडी गड़ा हुआ है। कुछ दिन के बाद मेला लगने वाला है, सज रहा है धीरे धीरे, काम चल रहा है। देख सकते हैं अभी कैसा झंडा गड़ा हुआ है, दुर्गा जी का स्थान यहीं पर, तो वहीं पर सजावट हो रहा है।
तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं सुबह भी ब्लॉग नहीं डाला और शाम को टाइम से हमारा ब्लॉग नहीं गया। आ जो आप लोग सोच रहे होंगे सुनील भैया क्यों नहीं ब्लॉग डाले, तो मेरा देख सकते हैं अभी चेहरा कैसे उतरा हुआ है दोस्तों। सुबह से मेरे को इतना ठंडा लग के बुखार आ रहा था, दवा भी लाए थे, बोले कि पहले दो खुराक खाओ, देख सकते फिर कल आपको दिखाना पड़ेगा कहीं मलेरिया का लक्षण तो नहीं आ रहा, क्योंकि मच्छर वच्छर कुछ ज़्यादा काटते हैं ना हम लोग को। दो दिन से आप याद करिए, जब ये लाइट बाहर लगाए हैं तो पता ना मच्छर थे कि पता ना कौन, हाँ है। ये मच्छर से भी तगड़ा मेरे को काटते थे, क्योंकि मैं दोस्तों क्या करता हूँ, शॉर्ट नहीं पहनता हूँ, ऐसी सोता हूँ। मेरे को आदत लगी हुई है कि ऐसी सोना पैंट पहन लेता हूँ, लेकिन शॉर्ट नहीं पहन पाता हूँ। आप पीठ पे कुधर, आप तो जानते हैं कि मैं जो दवा खाता हूँ उसमें शायद एक नींद का भी दवा है जो डॉक्टर साहब दिए हैं, तो उसको भी खा कर जब वो चलता है तो एकदम बिल्कुल में समझिए कि एकदम कितना भी अब कीड़ा मकोड़ा काटेगा, जब वो असर करेगा, जब नींद में आ जाऊँगा तो वो कीड़ा मकोड़ा कितना भी असर करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। इधर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार दिखा दो, देख सकते हैं दोस्तों, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये देखिए। इसीलिए बाहर लाइट लगाए हैं, घर में बिल्कुल अंधेरा का अंधेरा है पूरा। अब मैं वो जो दवा दिया था उनको, जो पहले चलता है, जो बहुत दूर से दिखा के लाते हैं दिमाग, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो दवा है आपका दिमाग का, ये आप उनकी मेडिकल में आपको मिलेगा, इधर उधर कोई ज़्यादा हाई फाई मेडिकल हो, प्राइवेट हो भी चाहे जो भी, गोपालगंज में मिलता है, गोपालगंज में भी उसमें उसी डिजाइन का नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हाँ कंपनी अलग अलग है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं जब ले जा कर दिखाया था तो बोले कि देखो पैसा का टेंशन मत लो, जो मैं दवा चला रहा हूँ आपके लिए, मैं कुछ सोच समझ के चला रहा हूँ, आप यहीं से आकर दवा लो और जब ख़त्म हो जाता है दवा तो, हाँ ऐसे बोले थे मेरे को, भैया को भी पता है। तो अभी मेरे को इतना ठंड लग रहा था तो मैं मजबूर हो गया कि वहाँ तो जा नहीं पाया, आप समझ सकते अभी मेरा मजबूरी। लेकिन ये दवा खाया, डॉक्टर साहब बोले कि आप एक काम करो, वो दवा आज मत खाना, ये दवा खा के सो, क्योंकि दो खुराक हैं तो दो दिन से तो खा ही नहीं रहे। तो मैं सोचा था कि आज वो दवा खाऊं, लेकिन मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, हम लोग का मजबूरी आप समझ सकते हैं। चलिए कोई नहीं होगा, बाकी एक बहुत डेढ़ दो महीना दवा वो चला दोस्तों, बाकी मैं सोचता हूँ कि उसमें जब नींद का दवा है तो मैं खुद अपने तरफ से ही सही हूँ, बहुत हौसला में रखता हूँ, लेकिन दोस्तों मजबूर हो जाता हूँ शरीर के कारण, पता ना क्यों ऐसे बिना दवा के रहते नहीं है छुड़ाने की कोशिश करता हूं। मेरे को ऐसा थोड़ा सा तकलीफ, मैंने अंदर का एक्सा सिस्टम बना है कि थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल, यानी दिमाग कमजोर होने के वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। बाकी कितने कष्ट वाला अभी दुनिया में है लोग, फिर भी बर्दाश्त करते, लेकिन मेरा यही बेचैनी सी होने लगती है। तो चलिए अभी तो मैं दवा खा लिया हूँ, ये सब बात कहनी थी, थोड़ा बहुत हम लोग मार्केट में जाके ब्लॉग भी बनाए जो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगे, हाँ कितना सुंदर सब चारों बगल झंडी और सब आपको देख के अच्छा लगेगा। लेकिन मेला जब सजना शुरू होगा, सप्तमी के दिन से सजना शुरू होता है ना, सप्तमी का, हाँ उससे पहले सज जाता है लेकिन मुंह नहीं खुलता है दुर्गा माता की। और हम लोग माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हमारा ऑल यूट्यूब फैमिली देशवासी एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे, भगवान पहले उन्हीं को खुशियाँ दे, उसके बाद भेसक थोड़ा सा टाइम बचे तो हमें भी दे के हम अपने बच्चों को परवरिश करके आगे बढ़ाते रहे, हमें कभी इतना नीचा ना महसूस ना हो कि हमने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किए, बहुत कुछ सोच रखे हैं, जो सोच रखता है कोशिश करते रहता है उसका कभी, आप ही लोग बोलते हैं कि हार नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों ये सब बात मेरा है फीलिंग का, जो मैंने किया वो सब आपको बता दिया, और मैं चल रहा हूँ, खाना भी खा लिया हूँ, थोड़ा ही सा खाना खाया दोस्तों, देख सकते पानी बहुत ज़्यादा मैं पीता हूँ, पेट देखिए पानी पी पी के निकल गया, बच्चे सुन के आगे देख सकते दोस्तों। आप कहते हैं कि मानसी और बच्चों का अभी वीडियो बनाया करिए, जरूर बनाएंगे, थोड़ा मैं स्वस्थ हो जाऊँ उसके बाद, देख सकते दोस्तों कंधे तक मेरा बड़ा वाला लड़का हो गया,
अच्छा पढ़ाई पढ़ता है दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद भगवान जी की कृपा से ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। हाँ तो आज की वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं हम लोग, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें हम लोग। तब तक ले रो लो, अपना अपना ख्याल रखें हम लोग, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। यहाँ तक ब्लॉग वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी गुड नाइट बोल रहे हैं हम लोग अभी, हाँ सोने जा रहे हैं, आधा घंटा के अंदर में ये ब्लॉग डाल देंगे। गुड नाइट।